जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम दो एग्जाम्पल ले लें डेंसिटी को कंपेयर करने के लिए। हमने बताया कि डेंसिटी क्या है, डेंसिटी में पार्टिकल्स के कॉम्पैक्टनेस को हम लोग मेजर करते हैं, कितना कॉम्पैक्टली पैक्ड है वो। जैसे अगर मान लीजिए कि यहाँ पे हम दो ऑब्जेक्ट लें और इस दो ऑब्जेक्ट में हम ये देखें कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर इसमें कितने ज्यादा कॉम्पैक्टली पैक्ड है, मतलब एक दूसरे के कितने नजदीक नजदीक में। तो इसको देखने के लिए यहाँ पे हमने दोनों की सेम वॉल्यूम ले ली। अब उस सेम वॉल्यूम में हम इसके पार्टिकल्स ऑफ मैटर को जब चेक करें तो यहाँ पे हमें दिखा कि इसके जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं वो इस तरह से पैक्ड है। ये ए सब्सटेंस है और ये बी सब्सटेंस है जिसमें पार्टिकल्स के बीच में कितनी ज्यादा डिस्टेंस। अब आपको किसमें दिख रहा है कि पार्टिकल्स एक दूसरे से ज्यादा कॉम्पैक्टली पैक्ड है, ए ए में दिख रहा है, तो हम किसकी डेंसिटी हायर बोलेंगे? ए की ए डेंसिटी हायर बोलेंगे। हायर विल बी द कॉम्पैक्टनेस, हायर विल बी द डेंसिटी ऑफ पार्टिकल्स ऑफ। ठीक है, समझ में आया? तो डेंसिटी जो है इसका फॉर्मूला होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। अब यहाँ पे देखो हमने दोनों की वॉल्यूम सेम ली है। अगर हम वॉल्यूम की बात करते, चलो थ्री डायमेंशनल डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं और इसमें हमने दोनों की वॉल्यूम सेम ली है, लेकिन पार्टिकल्स ऑफ मैटर किसमें ज्यादा दिख रहा है, ए में कि बी में? ए में, तो इसका मतलब पार्टिकल्स ऑफ मैटर ज्यादा है तो उसका मास भी ज्यादा होगा, होगा ना ज्यादा, इसका मतलब इसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। तो डेंसिटी इज इक्वल टू हो गया मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, डेंसिटी का जो सिंबल होता है ना, इसका सिंबल या तो हम लोग डी से यूज करेंगे या फिर इसको हम लोग रो, ये एक सिंबल होता है, इस सिंबल को जरा ध्यान से देखो, ये एक सिंबल होता है जिसको बोला जाता है आर एच ओ, रो, डी से या रो से डिनोट करेंगे इसको, स्मॉल डी, स्मॉल डी या रो से डिनोट करेंगे इसको। मास को हो गया एम और वी हो गया वॉल्यूम, तो डेंसिटी इज इक्वल टू हो गया मास अपॉन वॉल्यूम। अगर हम इसके एसआई यूनिट की बात करें, एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी, तो डेंसिटी की एसआई यूनिट क्या हो गई, मास की एसआई यूनिट बताओ केजी, जी मास की एसआई यूनिट केजी, जी और वॉल्यूम की एसआई यूनिट क्या होगी, मीटर क्यूब हो जाएगी। तो ये हो गया केजी पर मीटर क्यूब। आप इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, केजी एम माइनस 3। किसी की सीजीएस यूनिट की बात करें, सीजीएस यूनिट समझते हो, किसी को पता है सीजीएस यूनिट के बारे में? सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। सीजीएस यूनिट में, सीजीएस यूनिट में डेंसिटी का यूनिट क्या बनेगा, ग्राम। मास यहाँ पे किस में लिया जाएगा, ग्राम में, और वॉल्यूम सी से क्या होगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब। तो इसको हम लिखेंगे ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या फिर आप इसको लिख सकते हो जी सी एम -3। क्या ये दोनों क्लियर है सबको? सीजीएस यूनिट मतलब यहाँ पे एमकेएस यूनिट भी बोला जा सकता है इसको, एमकेएस यूनिट। एम स्टैंड फॉर मीटर, किलोग्राम के स्टैंड फॉर किलोग्राम, एस हमेशा सेकेंड। ठीक है, तो ये हो गया सीजीएस और एमकेएस यूनिट। अब एक बात बताओ, अगर हमें सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना हो तो क्या तरीका होगा, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने का क्या तरीका होगा, डिवाइडेड बाय 100। सेंटीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करना है तो डिवाइडेड बाय 100, और मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो इनटू 100। वेरी गुड। अच्छा अब एक बात बताओ, सेंटीमीटर स्क्वायर को अगर आपको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, डिवाइडेड बाय 10,000 10,000। तो सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब होगा सेंटीमीटर इनटू सेंटीमीटर, इसको कन्वर्ट करना है मीटर इनटू मीटर। तो यहाँ पे सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसको हमने डिवाइडेड बाय 100 किया, फिर इसको डिवाइड करने के लिए अगेन डिवाइडेड बाय 100 किया, तो यहाँ पे हो जाएगा डिवाइडेड बाय 10,000, और इधर कन्वर्जन करनी है तो मल्टीप्लाई इट बाय 10,000। अगर हमें मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट, मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना हो तो इनटू 10 लाख। हाँ बिल्कुल, सेंटीमीटर क्यूब इनटू मीटर क्यूब, तो 3 बार सेंटीमीटर है ना, 3 बार सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर इनटू सेंटीमीटर इनटू सेंटीमीटर, तो डिवाइडेड बाय यहाँ पे हो जाएगा
हंड्रेड इंटू हंड्रेड इंटू हंड्रेड कितना टाइम्स, ठीक है ना, क्लियर है ना सबको ये पॉइंट, क्योंकि ये अप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे, देख रहे हो ना यहाँ पे मीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब, तो आपको ये कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, और मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 × 100 × 100 कितने टाइम से इसको मल्टीप्लाई करना, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब कन्वर्ट करना हो इंटू केजी पर मीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को कन्वर्ट करना हो किसमें, केजी पर मीटर क्यूब में, एक सिंपल सा तरीका बता देता हूँ, एक तरीका याद है मैंने आपको बताया था, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में सीधा 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते थे, वैसे ही यहाँ पे क्या करना है, ये कन्वर्ट करने के लिए सीधा क्या करो, 1000 से मल्टीप्लाई करो, समझ में आया, शॉर्टकट याद रहेगा, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को केजी पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए सीधा 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इधर कन्वर्ट करने के लिए सीधा 1000 से डिवाइड करेंगे, ये आइस क्यूब पानी पे फ्लोट इससे करते हैं, क्योंकि जब हम लोग उसको फ्रीज करते हैं तो उसके अंदर एयर ट्रैप हो जाती है, तो उस एयर की वजह से उसके अंदर एक एयर पॉकेट बन जाती है, तो उसको फ्लोट करने में थोड़ा सा इसमें और करेक्शन किया जा सकता है। हाँ तुम बताओ, सर आइस में कैसा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर एयर ट्रैप होती है, जो जो आइस होती है उसमें केज लाइक स्ट्रक्चर से डेंसिटी डिक्रीज कर जाती है, बॉडी वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है, और कोई पॉइंट ऐड करना है इसमें, सर आइस की डेंसिटी वाटर स्टॉप। आइस की डेंसिटी वाटर से कम होती है। हाँ देखो, जो तीनों बच्चों के पॉइंट्स को अगर हम इंक्लूड करके एक डेफिनेशन बनाए, तो क्या होता है कि पानी को जब हम फ्रीज करते, पानी का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस, पानी को जब फ्रीज करते हैं तो उसके अंदर एक केज लाइक स्ट्रक्चर, पहले केज लाइक स्ट्रक्चर नहीं रहता, बाद में बनता है फ्रीज करने के बाद, और उस केज लाइक स्ट्रक्चर के कारण उसकी जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाती है, और उस केज लाइक स्ट्रक्चर के अंदर एयर बबल्स ट्रैप्ड होते हैं, वॉल्यूम बढ़ गया, अभी आपने पढ़ा डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम बढ़ गया तो डेंसिटी का क्या होगा, कम हो जाएगा, अब उसकी डेंसिटी हो गई कम, किससे कम, पानी से कम, पानी से ही बना था ना, तो वॉल्यूम बढ़ जाने से उसकी डेंसिटी पानी से कम हो गई, पानी से कम हो गई तो दैट विल स्टार्ट फ्लोटिंग, ओके। देखो वाटर की जो डेंसिटी होती है इसके बारे में कुछ पॉइंट्स है आपको जो हमेशा याद रखना है, डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं आपको जो आपको हमेशा याद रखना है, सबसे पहली बात ये जो मैं बता रहा हूँ बहुत यूनिक चीज है पानी के लिए, इसलिए हम लोग इसको वाटर को बहुत सारी जगहों पे कंपैरिजन करते हैं वाटर से लेकर, देखो वाटर के केस में क्या होता है कि अगर आप वाटर का 1 सेंटीमीटर क्यूब ले लो, वाटर का 1 सेंटीमीटर क्यूब ले लो, मतलब लेंथ 1 सेंटीमीटर, विड्थ 1 सेंटीमीटर और हाइट 1 सेंटीमीटर ले लो, तो इसके अंदर जो पानी आएगा वो पानी होगा एग्जैक्ट 1 ग्राम, क्या बोला मैंने, जरा ध्यान से समझो, मैंने क्या बोला, अगर हम 1 सेंटीमीटर क्यूब ले लें, बना लें 1 सेंटीमीटर का क्यूब बना लें, उस 1 सेंटीमीटर के क्यूब के अंदर पानी एग्जैक्ट कितना आएगा, 1 ग्राम, तो अगर हम सीजीएस यूनिट में बात करें डेंसिटी की, पानी के डेंसिटी की, तो सीजीएस यूनिट में डेंसिटी ऑफ वाटर होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, एग्जैक्ट 1 ग्राम, ना 1.01 भी नहीं होता, वाटर के केस में इट इज एग्जैक्ट 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और यही अगर हम 1 मीटर क्यूब की बात करें, मान लो एक आपने टैंक बनवाया घर में और उस टैंक की लेंथ है 1 मीटर, विड्थ है उसकी 1 मीटर और हाइट भी है उसकी 1 मीटर, ठीक है, एक टैंक आपने घर में बनवाया, उस घर में जो टैंक बनाया आपने उसकी लेंथ है 1 मीटर, विड्थ है 1 मीटर, हाइट भी है 1 मीटर, तो ये जो है हो गया एमकेएस यूनिट या एसआई यूनिट हो गया, इसमें पानी जो आएगा, इसके अंदर जो पानी होगा उस पानी का एग्जैक्ट मास जो आएगा ना बच्चों, वो होगा 1000 kg पर मीटर क्यूब, एग्जैक्ट होगा 1000 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है, समझ में आया, तो वाटर के केस में ये बड़ा यूनिक चीज है, ये सिर्फ वाटर में होता है और कहीं पे भी आपको नहीं देखने को मिलेगा, इसलिए हम वाटर को कई सारे जगहों पे रेफरेंस पॉइंट की तरह भी कंसीडर करते हैं, कई सारे जगहों पे इसको रेफरेंस पॉइंट की तरह यूज करते हैं, ठीक है, ये यूनिक चीज सबको समझ में आया, तो वाटर के केस में अगर आप 1 सेंटीमीटर क्यूब लो तो ये 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 ml के बराबर में होता है
जो कि 1 ग्राम के बराबर में होता है। ये पानी का बड़ा यूनिक पॉइंट है। पानी का 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 ml के बराबर में होगा, और वो 1 ml हमेशा 1 ग्राम होगा। ठीक है, पानी की डेंसिटी किस टेम्परेचर पे हाईएस्ट होगी? 0 डिग्री सेल्सियस, लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस, मोर देन 0 डिग्री सेल्सियस? सर मोर देन 0 पक्का? क्यों? जीरो जीरो पर होगी? जो आर्टिकल्स के बीच में स्पेस नहीं, वो फोर पर एक्सप्लेन मत करो अभी, ये तीनों को एक्सप्लेन करो। इस तीनों में से कौन मोर मोर देन 0? 0 पे सबसे कम नहीं होगी? देन हाँ, आइस में कन्वर्ट हो जाएगा तो क्या वहां पे डेंसिटी हाईएस्ट होगी? तो आंसर करेक्ट है, दैट इज मोर देन 0 डिग्री सेल्सियस। अब ऐसा क्यों? देखो, आपको मैंने अभी आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि पानी की डेंसिटी, पानी जो है जब फ्रीज करता है तो उसमें एक केज लाइक स्ट्रक्चर बनता है ना, केज लाइक स्ट्रक्चर बनता है, और उस केज लाइक स्ट्रक्चर के कारण उसकी वॉल्यूम बढ़ जाती है, डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। तो क्या 0 डिग्री सेल्सियस पे लोएस्ट डेंसिटी होगी उसकी? नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि वहां पे डेंसिटी कम हो जाती है। हाईएस्ट डेंसिटी जो होगी इसकी, पानी की जो हाईएस्ट डेंसिटी होती है वो होती है 4 डिग्री। अब 4 पे ही क्यों? रीजन क्या है 4 पे ही? अब जैसे जी 4 पानी को ठंडा कर रहे हो, ठंडा करते 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 जैसे 4 पे पहुंचा, 4 डिग्री सेल्सियस वो टेम्परेचर है जहां से कि पानी में केज लाइक स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट हो जाए। समझ में आया मैंने क्या बोला? 4 डिग्री सेल्सियस वो टेम्परेचर है जहां पर पानी में क्या होता है, केज लाइक स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाता है। तो जैसे ही बनना शुरू हुआ, धीरे धीरे उसकी वॉल्यूम बढ़ती, 4 से ही स्टार्ट होता है। तो एग्जैक्ट 4 जो है वहां पे केज लाइक स्ट्रक्चर नहीं है, 4 पे नहीं है। इसका मतलब 4 डिग्री सेल्सियस एक ऐसा टेम्परेचर जिसपे कि पानी की वॉल्यूम लोएस्ट, 4 से ऊपर जब जाएंगे मोर देन 4 फिर से वॉल्यूम बढ़ने लगेगी। क्यों? टेम्परेचर बढ़ रहा है, पार्टिकल में वाइब्रेशन बढ़ रही है। टेम्परेचर के बढ़ने से क्या होता है? वाइब्रेशन बढ़ती है, वाइब्रेशन बढ़ने से स्पेस बढ़ता है। याद आ रहा है? वाइब्रेशन बढ़ा, टेम्परेचर ज्यादा गर्म करेंगे तो क्या होगा? ज्यादा गर्म करने से वाइब्रेशन बढ़ा, वाइब्रेशन बढ़ने से स्पेस बढ़ा, स्पेस बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ गई। तो 4 डिग्री सेल्सियस एक ऐसा टेम्परेचर जहां पर पानी का डेंसिटी लोएस्ट हो। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है ये है रिलेटिव डेंसिटी। हाँ, हाईएस्ट रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी जो है ये क्या होता है? दिस इज द डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट टू डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी निकालने का जो फॉर्मूला होगा, रिलेटिव डेंसिटी निकालने का जो फॉर्मूला होगा ये होगा डेंसिटी ऑफ वाटर, सॉरी डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट टू डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। ये रिलेटिव डेंसिटी निकालने का फॉर्मूला, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट टू डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। इसका कोई यूनिट ही नहीं होगा, इसका कोई यूनिट नहीं हो सकता। डेंसिटी ऐसा यूनिट केजी जी पर मीटर क्यूब, डेंसिटी ऐसा यूनिट केजी पर मीटर क्यूब, कट नहीं गया दोनों? सर वो सर तो ये हो गया कुछ नहीं, कट गया ना, इसका कोई यूनिट नहीं होगा। ऐसे ही ये रेशियो है ना, डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू डेंसिटी ऑफ वाटर। आप अगर कंफ्यूजन है तो ऐसे लिख दो, दिस इज द रेशियो ऑफ, आप लिख दो। किसी भी रेशियो का कभी कोई ऐसा यूनिट नहीं होता, ओके? कभी भी किसी रेशियो का कोई ऐसा यूनिट नहीं होता, नो
एस आई यूनिट एज इट इज द रेशियो। सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर इंटू 50 सेंटीमीटर बेस 6.5 kg। कैलकुलेट इट्स डेंसिटी। डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। यहाँ पे मास गिवन है 6.5 अपॉन वॉल्यूम 10 × 20 × 50 और सबके नीचे में आ जाएगा 100। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे, सारे सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे, ये हो गया 6.5 × 100 × 100 × 100 डिवाइडेड बाय 10 × 20 × 50। 1 0 1 0 कैंसल, यहां से 1 0 कैंसल, 5 2 टाइम्स 650 650, टू टू से टू भी कैंसिल हो जाए। से टू कैंसल, ये आ गया 650 kg पर मीटर क्यूब, kg पर मीटर क्यूब। क्वेश्चन का पार्ट क्या होता है, फिल इट फ्लोट और सिंक इन वाटर। क्वेश्चन समझ में आया कि अगर हम इसको पानी में डालें तो ये पानी में फ्लोट करेगा कि सिंक करेगा। तो आंसर है इसका कि ये फ्लोट करेगा। अब ऐसा कैसे कि ये कैसे पता करेंगे कि पानी में फ्लोट करेगा या सिंक करेगा। मान लीजिए इसी में हम क्वेश्चन में ऐड कर दें, फिल इट फ्लोट और सिंक इन वाटर। ठीक है, देखिए ध्यान से सुनिए कैसे ये हम कैलकुलेट कर सकते। इसकी डेंसिटी देखिए कितनी है, 650 kg पर मीटर क्यूब। और पानी की डेंसिटी क्या है, डेंसिटी ऑफ वाटर क्या बताया था अभी, 1000 kg पर मीटर क्यूब। देखो दोनों में से किसकी डेंसिटी ज्यादा है, वाटर अच्छा की डेंसिटी ज्यादा है। तो अगर वाटर की डेंसिटी ज्यादा है तो ये पानी में नहीं सिंक कर सकता। लोअर डेंसिटी हमेशा पानी के ऊपर रहता है, ठीक है। हायर डेंसिटी अगर होता, पानी से हायर होता, तो ये सिंक करे, ठीक है। ऐसा कोई भी चीज जिसकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम है, दैट विल ऑलवेज फ्लोट। समझ में आया सबको, क्लियर। देखिए इट विल फ्लोट इन वाटर बिकॉज इट्स डेंसिटी इज लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर। क्वेश्चन अगर हम और ऐड कर दें, इसका कितना परसेंट पार्ट पानी के अंदर होगा, कितना परसेंट पार्ट पानी के ऊपर होगा। मान लो इस लकड़ी को हमने पानी में डाल दिया, तो इसका कितना परसेंट पार्ट पानी के अंदर होगा और कितना परसेंट पार्ट पानी के बाहर। तो इसका आंसर है, इसका रेशियो बना, परसेंटेज बना, परसेंटेज 65% पानी के अंदर होगा और 35% पानी के बाहर है। परसेंटेज बना लो, जो जितना परसेंट आएगा उतना परसेंट पानी के अंदर, ठीक है। क्लियर हुआ सबको, इसी में लिख देता हूं, चलो विद 65% इनसाइड वाटर। बॉयंसी, बॉयंट फोर्स या अपथ्रस्ट। एक बात बताओ, ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक पॉइंट, एक चीज बताओ, पार्टिकल्स ऑफ मैटर के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। यार दे आर वेरी स्मॉल,
दे आर कंटिन्यूअसली दे मूव कंटिन्यूअसली, मूविंग, दे अट्रैक्ट ईच अदर, दे हैव दे हैज स्पेस स्पेस बिटवीन बिटवीन देम। बिल्कुल सही, वेरी गुड। अब सुनिए, मान लीजिए कि यहाँ पे हमने कोई एक फ्लूइड ले लिया, कोई भी एक फ्लूइड, पानी ही ले लेते सबसे कॉमन। तो क्या यहाँ पे पानी के जो पार्टिकल्स हैं, इस पानी के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी? होगी हाँ कि ना? होगी। पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अगर हम इसके ऊपर कोई एक प्लास्टिक की बॉल डाल दें, तो ये प्लास्टिक की जो बॉल है, इसका वेट लग रहा है नीचे की ओर। वेट जो कि फोर्स है, वो हमेशा नीचे की ओर लगेगा। इस पानी के जो पार्टिकल्स हैं, पानी के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसकी वेट को क्या बिल्कुल करेगा? पानी के जो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करेगा, तभी तो ये बॉल इसके अंदर जा सकता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर, पानी के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करेंगे, तभी तो ये बॉल अंदर जा सकता है पानी के। तो इसका मतलब ये जो पानी के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस बॉल के अंदर जाने को अपोज करेगा। अपोज करेगा, वो जो अपोजिंग फोर्स है, वो अपोजिंग फोर्स ऊपर की ओर लग रही है, उसको अंदर बॉल को पानी के अंदर जाने से रोक रही है। ये जो अपोजिंग फोर्स है, ये अपोजिंग फोर्स कौन क्रिएट कर? बिल्कुल पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यही तो क्रिएट कर रहा है ना इसको। ये अट्रैक्शन फोर्स जितनी ज्यादा होगी, ये जो फोर्स लग रही है ऊपर की ओर, इस ऊपर की ओर लग रहे फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? अपथ्रस्ट। और ये अपथ्रस्ट एक्चुअली देखो तो क्रिएट कौन कर रहा है? पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो उसको अंदर जाने से रोक रहा है। ठीक है, तो ये जो अपथ्रस्ट है, इसी अपथ्रस्ट को हम लोग बोलते हैं पॉइंट फोर्स, या इसी का दूसरा नाम क्या होता है? बॉयंसी। तो दिस फोर्स इज क्रिएटेड बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर ऑफ फ्लूइड इन विच ऑब्जेक्ट इज इमर्स्ड। दिस पॉइंट फोर्स इज क्रिएटेड बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर ऑफ फ्लूइड इन विच ऑब्जेक्ट इज इमर्स्ड। और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितनी ज्यादा होगी, पॉइंट फोर्स भी उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, समझ में आया? समझ में आ गया पॉइंट फोर्स कौन क्रिएट करता है? अब एक बात और बता, अगर हम यहाँ पे कोई एक छोटा सा बॉल डालें, प्लास्टिक का ही बॉल है, वो छोटा सा बॉल है, यहाँ पर भी वो बॉल अंदर जा रहा है, यहाँ पर भी अंदर जा रहा है। सपोज करो कि आप दोनों बॉल पे ऊपर से फोर्स लगा रहे हो, बताओ तो किसमें ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी? छोटी वाली बॉल में, छोटी वाली बॉल में ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी कि बड़ी वाली बॉल में ज्यादा फोर्स लगानी छोटी पड़ेगी? वाली बॉल में कभी करके देखो, ऐसा नहीं करके देखा? घर में तो प्लास्टिक की बॉल होगी, फुटबॉल भी होगी, दोनों को पानी के अंदर डालने की कोशिश करो, बड़ी बड़ी वाली छोटी वाली में वाली बड़ी वाली। में ज्यादा लगेगी। क्यों? बड़ी वाली में ही ज्यादा लगेगी, लेकिन क्यों? क्योंकि यहां पे देखो तो ये जो है ज्यादा पार्टिकल्स के कॉन्टेक्ट में है ना, यहाँ पे ज्यादा पार्टिकल्स के कॉन्टेक्ट में है। जब ज्यादा पार्टिकल्स के कॉन्टेक्ट में, तो ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे ब्रेक करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है? कम पार्टिकल्स के कांटेक्ट में है, तो इसको तो इतनी दूर का ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक करना पड़ेगा ना। इसको देखो, यहां से लेकर के यहां तक की, ये यहां से लेकर के यहां तक की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करना पड़ेगा, तभी तो वो एंटर कर पाएगा। अब बताओ किस पे ज्यादा फोर्स लगेगी, छोटी बॉल पे कि बड़ी बॉल पे? बड़ी वॉलीबॉल पे जैसा बॉल पे। क्यों? रीजन, क्योंकि उसपे ज्यादा एरिया। ज्यादा पार्टिकल्स के बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करेगा, है ना। अब एक बात और बताइए कि ये जो पॉइंट फोर्स है, ये कौन से फैक्टर पर डिपेंड करेगा? व्हाट आर द फैक्टर ऑन व्हिच दिस पॉइंट फोर्स डिपेंड? एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट।
है ना, जितना एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट होगा उतना ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। ओके क्लियर सबको? अच्छा अच्छा एक दूसरा एग्जाम्पल, मान लीजिए कि यहां पे हमने ले लिया एक दूसरा लिक्विड जो है हनी। वाटर और हनी में क्या डिफरेंस है तो दोनों लिक्विड। हनी ज्यादा डेंस है, बिल्कुल सही बात है। अगर हनी ज्यादा डेंस है तो इसका मतलब उसके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, कम होगी कि ज्यादा होगी? ज्यादा होगी। अगर हम वही बॉल यहाँ पे इमर्स करने की कोशिश करें, बताओ इसमें ज्यादा हनी के केस में ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा कि वाटर के केस में? हाँ नहीं क्यों? ज्यादा टेंशन डेंस है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है ना, तो आपको यहाँ पे ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। आपने पहला पॉइंट ये समझा कि बॉइंट फोर्स विल डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, जितना ज्यादा एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट उतना ज्यादा पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपने क्या समझा? पॉइंट फोर्स विल डिपेंड ऑन द डेंसिटी। किसकी डेंसिटी? फ्लूइड की डेंसिटी, जिसमें हम ऑब्जेक्ट को इमर्स कर, क्योंकि आखिर लेके जाना है तो ऑब्जेक्ट को फ्लूइड के अंदर ही ना, तो फ्लूइड की तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करना पड़ेगा। जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो यहाँ पे होगी उतना ज्यादा फोर्स आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, यही जो अपोजिंग फोर्स होता है, इसी अपोजिंग फोर्स का नाम क्या होता है? पॉइंट फोर्स। क्लियर? देखो फैक्टर्स अफेक्टिंग द पॉइंट फोर्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग द पॉइंट फोर्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग द पॉइंट फोर्स। फर्स्ट में लिखे हैं ऑन द कॉन्टैक्ट सरफेस, ऑन द कॉन्टैक्ट सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड फ्लूइड, ऑन द कॉन्टैक्ट सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड फ्लूइड, ब्रैकेट में लिख लो वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, ब्रैकेट क्लोज कर लो। अब लिखो हायर विल बी द वॉल्यूम, हायर विल बी द वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इमर्स्ड, हायर विल बी द वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इमर्स्ड इन फ्लूइड, हायर विल बी द बॉइंट फोर्स क्रिएटेड ऑन इट, हायर विल बी द पॉइंट फोर्स क्रिएटेड ऑन इट। सेकेंड पॉइंट में लिखे ऑन डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, ऑन डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, इसमें लिखे हैं हायर इज द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, हायर इज द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, हायर विल बी द बॉइंट फोर्स और अपथ्रस्ट क्रिएटेड बाय द फ्लूइड, अपथ्रस्ट क्रिएटेड बाय फ्लूइड। नमक मिला दिया अच्छे से और उसके बाद नींबू डाल, अब नींबू फ्लोट करने लगा। बोला देखो नींबू फ्लोट कर रहा है ना, इसका मतलब है कि नेगेटिव लगा। अब एक बात बताओ क्या हुआ, पानी में अगर हम नींबू दे, आपने इसका नाम सुना है सर पेप्सी का नाम सुना है? उसमें कोई चीज डूबता क्यों नहीं है? बहुत ज्यादा सॉल्ट, सॉल्ट तो अगर पानी में हम बहुत ज्यादा सॉल्ट मिला दें तो क्या होगी? पानी के पार्टिकल्स के बीच में यहाँ पे क्या आ गया? ज्यादा और मैटर आ गया ना, कौन सा मैटर यहाँ पे आ गया? सॉल्ट आ गया। और मैटर तो सॉल्ट पार्टिकल्स आ गए तो क्या यहाँ पे जब सॉल्ट पार्टिकल्स बीच बीच में आ गए ढेर सारे, तो क्या इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और ज्यादा बढ़ गई? तो क्या यहाँ पे डेंसिटी और ज्यादा बढ़ गई? तो डेंसिटी बढ़ गई तो क्या अपथ्रस्ट और ज्यादा बढ़ जाएगा? वही नींबू जो पहले डूब रहा था अब तो फ्लोट करने लगा। नहीं है ना प्रॉपर शेप, इसमें कौन सा फार्मूला लगाओगे? ना सर्कल लगा सकते हो, ना ट्रेपेजियम लगा सकते हो, ना कौन लगा सकते हो, कुछ नहीं लगा सकते, कौन सा फॉर्मूला? तो सर वॉटर अगर हमें इसका वॉल्यूम निकालना हो, है ना, इम्प्रॉपर शेप,
लेकिन अगर इसका एग्जैक्ट वॉल्यूम निकालना हो तो एग्जैक्ट वॉल्यूम निकालने का क्या तरीका? हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल यही तरीका होता है। किसी भी अगर इम्प्रॉपर शेप का कोई ऑब्जेक्ट हो जो परफेक्ट शेप में नहीं है, उसका अगर वॉल्यूम निकालना हो पानी में इमर्स कर देंगे, जितना पानी राइज हुआ वही हो जाएगा उसका वॉल्यूम। ठीक है, तो ऊपर हेडिंग डालें टू कैलकुलेट। वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इन रेगुलर ऑब्जेक्ट कर लो टू कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ एनी इरेगुलर ऑब्जेक्ट। जैसे मान लीजिए कि ये एक इरेगुलर ऑब्जेक्ट है, तो ये स्टोन ले लिया इरेगुलर ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, इरेगुलर स्टोन। इसमें हमने यहाँ पे एक ग्लास में ले लिया पानी, मान लेते हैं कि पानी अभी यहाँ पे है 100 एंड स्टोन को हमने डाल दिया इस बीकर में, और इस बीकर में डालने के बाद हमने देखा कि इसकी वॉल्यूम जो है वो राइज होकर के 136 ml। कितना एमएल राइज हुआ? 36 ml राइज हुआ, राइज इन वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड इज ड्यू टू इरेगुलर ऑब्जेक्ट विच इज इक्वल टू 136 माइनस 100, ये हो गया 36 ml। के केस में मैंने आपको बताया कि 1 ml पानी का जो होता है वो होता है 1 cm³। बताया था अभी आपको, तो 36 ml क्या हो जाएगा? 36 cm³, 36 ml इज 36 cm³। तो आपको क्या यहाँ पे ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम मिल गया? ठीक है, तो ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम हो गया 36 cm³।